सो हेलो गाइज, मेरा नाम है अनुपेन, यू आर वॉचिंग करेज टेक। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा गाइज कैसे अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं विद फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। सो चलिए गाइज, सबसे पहले मैं आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक बार चेक भी करा देता हूँ। गाइज, मेरा जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्ड है वो यहाँ एक्टिवेटेड नहीं है। सो गाइज, ऑन करने के बाद गाइज यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये यहाँ पे हमें एक्टिवेशन के लिए कह रहा है। बट गाइज, मैं इसे क्लोज करके मैं आपको यहाँ होम पे दिखा देता हूँ। गाइज इधर ऊपर भी आप देख सकते हैं कि एक्टिवेशन फेल दिखा रहा है। बट गाइज, मैं यहाँ आपको एकदम अकाउंट में लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो गाइज, इसमें आप देख सकते हैं गाइज यहाँ एक्टिवेशन रिकॉर्ड लिख रहा है। एंड गाइज, अभी जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है गाइज वो यहाँ एक्टिवेटेड नहीं है। सो गाइज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्टिवेट करने के लिए गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एक्टिवेटर है गाइज, जिसकी जिप फाइल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपको नहीं पता कैसे डाउनलोड करते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है कैसे मेरी फाइल्स डाउनलोड करते हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो भाई, इन सबको करने के लिए गाइज सबसे पहले तो मैं अपने पीसी में या विंडो सिक्योरिटी में जाके एंड हमें यहाँ इसमें अपनी रियल टाइम प्रोटेक्शन है गाइज वो यहाँ थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देनी है। गाइज में देख सकते हैं गाइज, ये रहा हमारा वो रियल टाइम प्रोटेक्शन। सो इसे हमें यहाँ से डिसेबल कर देना सिर्फ थोड़ी देर के लिए। गाइज एक्टिवेट होने के बाद फिर हम इसे ऑनेंगे। एंड गाइज, उसके बाद जब आपकी ये फाइल जब डाउनलोड है जिप फाइल, सो गाइज उसके बाद आपको इसे डायरेक्टली यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सो गाइज, मैं इसे फिलहाल एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एंड गाइज, ये देख सकते हैं ये रहा एक्सट्रैक्ट होने के बाद इसका एक ये फोल्डर बन जाता है। सो गाइज, एक्सट्रैक्ट होने के बाद गाइज इसके बाद आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। एंड गाइज, इसमें आप देखेंगे इसमें विंडो 10 एक्टिवेटर लिखा हुआ है। गाइज, ये वही टूल है जिससे हमने अपने विंडो 10 भी एक्टिवेट की थी विद फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी सो गाइज उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइज, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं कैसे विंडो 10 को एक्टिवेट करते हैं। सो गाइज, उसके बाद अगेन आपको इस टूल को यहाँ से ओपन कर लेना है। एंड गाइज, इस बार हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्टिवेट कर रहे हैं। सो गाइज, इसलिए हमें यहाँ एक्टिवेट ऑफिस पे यहाँ क्लिक कर देना है। गाइज, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सो गाइज आप यहाँ नीचे देख सकते हैं गाइज इसकी एक प्रोसेसिंग यहाँ स्टार्ट हो गई है। सो गाइज, इसे तो फिलहाल थोड़ा टाइम लगता है। सो चलिए गाइज, फिलहाल जैसे इसे कंप्लीट होता है मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। सो गाइज, अभी आप यहाँ देख सकते हैं गाइज ये अभी कंप्लीट हो चुका है। बट गाइज, इसके ऊपर यहाँ फेल एरर लिखा हुआ आ रहा है। सो गाइज, इसे पूरा करने के लिए गाइज यहाँ आप ये देख सकते हैं इसके बगल में इंस्टॉल JVL के लिखा हुआ है। गाइज, जब आप इस पर क्लिक करेंगे सो गाइज ये स्लो मोशन में साइड होगा। सो गाइज, उसके बाद आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक विंडो की और एक ऑफिस की। सो गाइज, आपको यहाँ ऑफिस की पे क्लिक कर देना है। एंड गाइज, अब आप यहाँ देख सकते हैं गाइज की जो एक प्रोसेसिंग है गाइज वो यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइज, इसे एक्टिवेट होने में गाइज इसे यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो गाइज, ये थोड़े से टाइम में गाइज यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइज, ये जो इसकी ऑफिस की है गाइज आप यहाँ देख सकते हैं गाइज ये एक्टिवेट हो चुका है। एंड गाइज, यहाँ कंप्लीट का ऑप्शन में हमें लिखा हुआ आ रहा है। सो गाइज, उसके बाद अगेन आपको यहाँ एक्टिवेट ऑफिस पे गाइज आपको यहाँ पे अगेन क्लिक कर देना है। बट गाइज, डोंट वरी, इस बार उतना टाइम नहीं लगेगा। सो गाइज, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे गाइज अगेन ये स्टार्ट हो जाएगा। एंड गाइज, कुछ ही सेकंड में, वैसे तो एक आध मिनट भी लग सकता है किसी किसी में। सो गाइज, थोड़े से टाइम में गाइज ये भी यहाँ तुरंत के तुरंत ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। सो गाइज, ये देख सकते हैं अब ये भी यहाँ एक्टिवेशन यहाँ कंप्लीट हो चुका है। सो गाइज, अब ये जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है गाइज वो यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। सो गाइज, चलिए मैं आपको एक बार चेक करा देता हूँ गाइज इसे, आप इसे मैं फिलहाल पहले कट कर देता हूँ। एंड गाइज, अब मैं आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। सो गाइज, पहले जब भी हम ओपन करते थे तो गाइज आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पहले एक्टिवेशन के लिए कहता था। बट गाइज, अब यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है। एंड गाइज, मैं फिलहाल इस पेज को पहले ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइज, यहाँ ऊपर भी यहाँ एक्टिवेशन के लिए कहता था बट अब यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। एंड मैं आपको एक बार अकाउंट में भी चल के दिखा देता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज ये इसकी जो प्रोडक्ट है वो यहाँ एक्टिवेटेड लिखा हुआ है। इसका मतलब अब जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है गाइज वो यहाँ सक्सेसफुली अपडेटेड हो चुका है। सो गाइज, अब जब हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यहाँ एक्टिवेट हो चुका है तो गाइज उसके बाद आपको अगेन अपने सेटिंग्स में जाके गाइज आपको यहाँ से अपने रियल टाइम प्रोटेक्शन है गाइज इसे आपको यहाँ से इनेबल कर देना है, जिसे हमने स्टार्टिंग में ऑफ किया था। सो गाइज, इस तरह चाहे तो गाइज आप अपने किसी भी विंडो में अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इजीली एक्टिवेट कर सकते हैं। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल करेज टेक।